नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सावन दोषी। खबरों में जाने से पहले एक नजर अभी तक की सुर्खियों पर। नगर निगम ने तोड़ा लाल घाट पर अवैध निर्माण, गणपत रेस्टोरेंट में बिना स्वीकृति के चल रहा था काम। सेक्टर 4 में गिरा विद्युत ट्रांसफार्मर, हो सकता था बड़ा हादसा, क्षेत्रवासियों में गुस्सा। चिकित्सा विभाग में चतुर्थ श्रेणी वार्ड बॉय भर्ती की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन, वित्त विभाग ने कुछ दिनों पहले कर दिए थे पद समाप्त। लेक सिटी में हुई स्वच्छता का संदेश देने वाली शॉर्ट फिल्म की शूटिंग, जुलाई में आएगी सोशल मीडिया पर। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अवैध निर्माण पर चले हथौड़े की। नगर निगम का हथौड़ा कई दिनों बाद फिर चल पड़ा। सोमवार को निगम के अतिक्रमण रोधी दस्ते ने झील किनारे एक रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की और बिना स्वीकृति निर्माण को धराशायी कर दिया। निगम को शिकायत मिली थी कि लाल घाट के पास गणपत रेस्टोरेंट की छत पर बिना स्वीकृति के निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। इस पर सोमवार को निगम का दस्ता मौके पर पहुंचा और कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दस्ते ने छत पर हो रहे निर्माण कार्य को रुकवा कर किए गए निर्माण को गिरा दिया। निगम के अधिकारियों ने बताया कि वे पहले गणपत रेस्टोरेंट के संचालक महावीर प्रसाद शर्मा को नोटिस दे चुके थे, फिर भी निर्माण किया जा रहा था। निगम ने पास में ही एक मकान में अतिक्रमण रोधी कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां पर भी बिना स्वीकृति के एक खिड़की बना दी गई थी। यहाँ बंधु जी का दरवाज़ा जगदीश चौक के पास में जो लालगढ़ क्षेत्र है, उसमें एक महावीर प्रसाद जी शर्मा है, ये जिन क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, निगम द्वारा इन्हें नोटिस दिया गया, लेकिन नोटिस की पालना इन्होंने नहीं की। कार्य निरंतर जारी रखा, RCC की 26 सेकंड फ्लोर पर कर दी थी, जिसको माननीय हमारे जो आयुक्त साहब है सियाग साहब, जिन संरक्षण के मद्देनज़र उन्होंने हटाने के आदेश दिए हैं, उसके तहत आज कार्रवाई की जा रही है और इस क्षेत्र को तोड़ी जा रही है। आज तो एक कार्रवाई एक पे है, कुछ अन्य भी हैं जो हमने चिन्हित कर रखे हैं और प्रक्रिया चल रही है। शहर के पास स्थित झल्लारा थाना पुलिस ने चोरों के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों की निशानदेही पर 3 बाइक बरामद की गई है। गौरतलब है कि थाना क्षेत्र की वीरवा गांव में रविवार की सुबह बाइक लूट की घटना होने के बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपियों की धरपकड़ की थी। इन बाइक चोरों के पकड़ में आने के बाद बड़ी चोरियों का खुलासा हो सकता है। खेरौदा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए गोवंश से भरी गाड़ी को पकड़ा है। सोमवार को पुलिस को सूचना मिली कि गाड़ी में भरकर बड़ी संख्या में गोवंश ले जाया जा रहा है। इस पर कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे पर जा रही गाड़ी को रोका गया। उसमें क्रूरता से भरे गए 70 गोवंश मिले, जिन्हें बांसड़ा गौशाला में भेजा जा रहा है। बछड़े पकड़े हैं 50-60-70 बछड़े आए हैं जो उनमें लगे हैं। चिकित्सा विभाग के चतुर्थ श्रेणी वार्ड बॉय के पदों को समाप्त करने के विरोध में राजस्थान सहायक कर्मचारी परिषद ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। सरकार के वित्त विभाग द्वारा 2016 में चिकित्सा विभाग के 1740 पद खत्म कर दिए गए थे। इन्होंने कहा कि वर्तमान में एक वार्ड में 3 से 4 वार्ड बॉय हैं, जो काफी कम है, जिससे मरीजों को परेशानी होती है। परिषद ने रिक्त किए गए पदों को जल्द से भरने की एक साथ ही वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश को निरस्त करने की मांग उठाई है। राजस्थान सहायक कर्मचारी परिषद के जिला अध्यक्ष, मजदूर संघ के वरिष्ठ नेता भवानी सिंह जी भाई साहब, आज अपन जिस मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वास्तव में चिकित्सा विभाग में 1740 पद समाप्त कर दिए सहायक कर्मचारी। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी सफाई पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, वहीं राजस्थान की सरकार सफाई कर्मियों के पद समाप्त कर रहे हैं, जिन्होंने जीवन का, हमारे सहायक कर्मचारियों ने जीवन का यही उद्देश्य बनाया था कि हम सफाई करेंगे और खूब सफाई करेंगे। उनकी सेवाओं का फल यह हो रहा है कि उनके सब पद समाप्त कर दिए गए हैं।
ठेके पर काम करने वाले लगातार 15 साल से जो ठेके में काम कर रहे हैं मेरे सहायक कर्मचारी, जिनको सरकार ने आश्वस्त करा कि हम इनको परमानेंट, आवश्यकता पड़ने पर हमको हम परमानेंट कर देंगे और पद भी रिक्त है, लेकिन उनकी आशाओं पर तुषारापात हुआ और 1740 पद समाप्त करने का अर्थ सीधा सा यह हुआ है कि सहायक कर्मचारियों के पर सरकार ने एक तरह का पूरा प्रहार किया है। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध जितनी भी यूनिट है इसका भारी विरोध करती है और आने वाले समय में अगर इनको विड्रॉ नहीं करती है इस ऑर्डर को तो एक बहुत आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा और डट करके इसका मुकाबला किया जाएगा। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम इस आज माननीय कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दे रहे हैं, उनके माध्यम से सरकार को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार समय रहते इस ऑर्डर को विड्रॉ करें और जितने भी पद रिक्त पड़े हैं उन पदों पर ठेके में काम करने वाले जो लोग हैं और जो सहायक कर्मचारी के पद हैं उनमें समायोजित करके उनका काम ठीक करें। उदयपुर न्यूज़ में अभी वक्त है एक ब्रेक का, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं, भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं, खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं, अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is health. यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटर प्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294-241-4256 और 9414-1221। बिगेस्ट मल्टी ब्रांड स्टोर ऑफ उदयपुर, राजा साहेब एक्सेल, लेडीज जेंट्स and kids all garments. Four one one Bhopalpura opposite Ghatani Hospital, Udaipur. Call at 0294-241-166. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्स कॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्स कॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध, बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी, 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध, बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई, 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक, उदयपुर। फोन 2640452 और जिंदगी एक उत्साह और उमंग है, जोश, जज्बा,
कुछ कर दिखाने का जुनून है। जिंदगी एक खेल है, चाहे आसमान की ऊंचाई हो, जीतने की लड़ाई हो, कुछ पाने की चाह हो, अपनों का साथ हमें भाता है, क्योंकि जीतना हमें आता है। सेवा करना, तैयार रहना, ये वाक्य हमारा है। व्यक्ति को समाज से और समाज को देश से जोड़ना हमें आता है। शिक्षा को विज्ञान से, विज्ञान को परख कर, रसायनों को समझ कर, जीवों को सहेज कर, धरती को नाप कर, टेक्नोलॉजी से बात कर, जीवन में स्वाद भरना और कला के रंगों को जिंदगी में उकेरना हमें आता है। हम हैं अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछले 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम का विश्वास, शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाला शिक्षण संस्थान अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12, साइंस आर्ट्स कॉमर्स संभाग में सर्वाधिक वैकल्पिक विषय लिए हुए, अत्याधुनिक प्रयोगशाला के साथ हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 9 आदर्श नगर बिहाइंड पुलिस लाइन, उदयपुर राजस्थान। कॉन्टेक्ट 9413762552, 9828164598, www.udaipurabhinavschool.com। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटर कॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटर कॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स बीएन कॉलेज के सामने, उदयपुर। विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित श्रीराम उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा आयर की पहचान श्रेष्ठ शिक्षण पद्धति से है। 27 वर्ष पूर्व शिक्षा क्षेत्र में श्री सत्यनारायण जी चौधरी द्वारा नर्सरी के 50 बालकों से स्थापित इस विद्यालय में आज 1200 से भी अधिक बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न संकाय तथा विज्ञान, वाणिज्य और कला शिक्षा में राज्य में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाया है। ये विद्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त है। श्रीराम उच्च माध्यमिक विद्यालय उन बच्चों की सेवा कर रहा है जो गरीब एवं मध्य वर्ग से हैं। कम विद्यालय शुल्क में अधिकतम सुविधा देने वाला एकमात्र विद्यालय है, जहाँ सुसंस्कारित योग्य शिक्षक, श्रेष्ठ कक्षा कक्ष एवं आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त 4 मंजिल में स्थित भवन इस विद्यालय की विशेष पहचान है। विद्यालय में बालकों को गुरु शिष्य परंपरा, बालकों के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस विद्यालय में आधुनिकतम कंप्यूटर लैब, उपकरणों से परिपूर्ण प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय स्थित है। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम एवं प्रतिभाओं का विकास हमारी विशेष पहचान है। हमारे स्कूल का उद्देश्य है हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना देंगे, दुनिया पूजे इतना महान बना देंगे। क्या आपका बच्चा 10वीं पास कर चुका है और आपका बच्चा 10वीं के बाद आगे पढ़ाई नहीं करना चाहता है? क्या आप बच्चे के भविष्य के बारे में परेशान हैं? आप भी चाहते हैं अपने बच्चे को भीड़ से अलग देखना? तो अपनी चिंता करें हमारे नाम एलन पैरामेडिकल कॉलेज, जहां एक्सरे, लेबोरेटरी, डेंटल, हाइजीनिक, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एवं कई तरीके के कोर्सेज के जरिए 10वीं पास बच्चे को चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाने का अवसर। यही नहीं, कोर्स के दौरान मात्र 6 महीने में कमाने का अवसर व साथ ही समय समय पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेमिनार। सभी कोर्स केंद्रीय सरकार व UGC से मान्यता प्राप्त और साथ ही सरकार द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति भी, सुविधा भी। हम बनाएंगे आपका भविष्य। एलन पैरामेडिकल कॉलेज, बसंत विहार, लेक गार्डन कॉम्प्लेक्स के सामने, गोवर्धन सागर पाल मेन रोड, उदयपुर।
9929138681 9660775154। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। भारत की अग्रणी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी एस्कॉर्ट लिमिटेड ने झीलों की नगरी उदयपुर में अपने पहले पावर ट्रैक ट्रैक्टर शोरूम दीपमाला एंटरप्राइजेस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कंपनी के रीजनल प्रबंधक रूपेंद्र सिंह ने बताया कि भारत में पावर ट्रैक किसानों की पहली पसंद है। खेती बाड़ी में कम खर्चे पर अधिक फसल के उत्पादन के लिए एस्कॉर्ट ने पावर ट्रैक में आधुनिक तकनीक से ट्रैक्टर बनाए हैं। They are accident prone, using them. It is dangerous. आज झीलों की इस नगरी उदयपुर में हम अपने पावर ट्रैक के क्रम में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। दीपमाला एंटरप्राइजेस एस्कॉर्ट्स कंपनी, जो कि भारतवर्ष की अग्रणी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी है, जिसके तकरीबन पूरे भारतवर्ष में 800 डीलर हैं, उसी कड़ी में आज हम एक नया क्रम जोड़ने जा रहे हैं, दीपमाला एंटरप्राइजेस, जो जिला उदयपुर में एस्कॉर्ट्स के पावर ट्रैक ट्रैक्टरों की पूरी रेंज संभालेंगे। पावर ट्रैक ट्रैक्टर दुनिया भर में जाना जाता है डीजल की कम खपत के साथ साथ बेहतर प्रोडक्टिविटी, बेहतर रखरखाव, कम से कम टूट फूट और बेहतर उत्पादकता। पावर ट्रैक में 12.5 हॉर्स पावर से लेकर के और 60 हॉर्स पावर तक के 4 डिफरेंट रेंज में ट्रैक्टर हमारे आते हैं। एक हमारी सीरीज आती है डीजल सेवर, जिसमें 25 हॉर्स पावर से लेकर के और 55 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर शामिल हैं। फिर डीजल सेवर प्लस है। लेटेस्ट हमारी जो सीरीज़ है उसमें एक यूरो सीरीज़ है, जिसमें 37 हॉर्स पावर से लेकर के और 50 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर जो हैं वो हम दे रहे हैं। उसी कड़ी में आगे ALT ट्रैक्टर, देश का, बल्कि मैं कहना चाहूँगा दुनिया का ऐसा वाला ट्रैक्टर आगे से नौटने वाला ALT एंटी लिफ्ट ट्रैक्टर, जैसा कि इसका नाम है। ट्रैक्टर का आज की डेट में उपयोग एग्रीकल्चर के अलावा कमर्शियल कामों में बहुत हो रहा है, तो उसमें इस ट्रैक्टर की ये खासियत है, ये ट्रैक्टर आगे से उठता नहीं है और बाकी ट्रैक्टरों के मुकाबले अधिक बोझ उठा करके बिना आगे से उठे कम से कम डील खबर के साथ ट्रैक्टर ले जाता है। एस्कॉर्ट्स कंपनी द्वारा निर्मित पावर ट्रैक ट्रैक्टर्स का उद्घाटन करने जा रहे हैं। पावर ट्रैक आप क्षेत्र में बहुत ही नामी ट्रैक्टर है और इस ये जो ट्रैक्टर्स है 25 HP से 60 HP की श्रेणी तक हर तरह के ट्रैक्टर्स उपलब्ध हैं। इनमें कई तरह के श्रृंखला हमने निकाली है। एक निकाली है ALT, जो होता है एंटी लिफ्ट ट्रैक्टर्स। आप देखते होंगे अक्सर कि सामने से ट्रैक्टर उठने की शिकायत जो आती है, हमने इस ALT जो ट्रैक्टर्स हैं उसमें हमने ये इंजीनियरिंग लगा के वो चीज़ शिकायत को हमने दूर की है। दूसरा एक कहता है हमारा DS डीजल सेवर सीरीज, जिससे कि आपको जो फ्यूल से, जो डीजल से किफ़ायत होनी चाहिए वो सबसे ज़्यादा रहती है। आपके सबसे डीजल सेवर के टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। और तीसरा है यूरो सीरीज, जिसकी खासियत है उसकी इंजन, उसकी इंजन आज विदेशी तकनीक के मापदंड के अनुसार बनाया गया है, जिससे कि वो आपको कम तेल में आपके ज़्यादा कार्य करने की क्षमता रखता है। इसी के साथ आज से उदयपुर के किसान भाइयों के लिए और जिन जो ट्रैक्टर्स के इस्तेमाल करते हैं, जो ट्रॉली में इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प आज से उदयपुर शहर में आप लोगों के लिए मौजूद रहेगा। आप हमारा शोरूम भुवाड़ा बाईपास में 6970 इंद्रापुरी कॉलोनी में स्थित है। आपको अगर ट्रैक्टर्स के बारे में या ट्रैक्टर संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप यहाँ पर आके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे फ़ोन नंबर पर भी आप हमें ऐसे पूछ सकते हैं 7877466334। ग्राम पंचायत विकास नियोजन पंचायत समिति स्तरीय संदर्भ समूह की ओर से 3 दिवसीय शिविर सोमवार को शुरू हुआ। जिला परिषद कार्यालय में चल रहे इस तकनीकी शिविर में ग्राम पंचायतों से आए पदाधिकारियों और NGO संचालकों को शिक्षा दी जा रही है। यहाँ पर उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए जानकारी दी जा रही है। यहाँ पर जनता को अधिक से अधिक लाभ देने की बात कही जा रही है, ताकि सरकार की योजनाओं से मिलने वाले लाभ से बिचौलियों को दूर किया जा सके।
शहर के सेक्टर 4 इलाके में एक विद्युत ट्रांसफार्मर के गिरने से हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल विद्युत विभाग के कर्मचारियों के लापरवाही पूर्ण कार्य के चलते ज्ञान नगर क्षेत्र में सामुदायिक भवन के बाहर लगा ट्रांसफार्मर अचानक गिर गया। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पूर्व ही इस ट्रांसफार्मर को लगाया गया था, लेकिन घटिया कार्य के चलते ट्रांसफार्मर गिर गया। इस घटना में किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। ट्रांसफार्मर के गिरने से क्षेत्रवासियों में आक्रोश है। वहीं विद्युत विभाग के कर्मचारियों के मौके पर पहुंचने पर क्षेत्रवासियों ने जमकर हंगामा किया। क्षेत्रवासियों ने कहा कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों के घटिया काम के चलते यह ट्रांसफार्मर गिरा है और इससे बड़ा हादसा हो सकता था। एक दिन हुआ, दो दिन कैसे बता रहे आप लोगों को, इतनी चीजें बताते हो यार, समझ में नहीं आता आपको यार। लेकिन थोड़ा हिसाब काम कर दो इसी तरीके से यार। अरे डाले बात भी क्या है, मैं बताऊं अभी आपको। जैसे अपनी खूबसूरती के लिए विश्व प्रसिद्ध उदयपुर इन दिनों फिल्मों की शूटिंग का डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। देश में इन दिनों चल रहे स्वच्छता अभियान से जुड़ी प्रेरणादायी शॉर्ट फिल्म की शूटिंग इन दिनों उदयपुर में की जा रही है। स्वच्छता का संदेश देने वाली इस लघु फिल्म में सड़क पर कचरा फेंके जाने के बाद इससे होने वाली गंदगी के बारे में बताया गया है। इसमें एक छोटा सा बच्चा अनूठे तरीके से आम जन को स्वच्छता का संदेश देता है। शॉर्ट फिल्म का फिल्मांकन सेवाश्रम क्षेत्र में किया गया है। इसका निर्देशन चिन्मय भट्ट कर रहे हैं, जो बॉलीवुड में काम करते हैं। साथ ही असिस्टेंट लोकेश पालीवाल है। वहीं मुख्य भूमिका में पैसिफिक समूह के आशीष अग्रवाल के बेटे अवि अग्रवाल है। वहीं उदयपुर न्यूज के सावन दोषी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिल्म को जुलाई के दूसरे सप्ताह में सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाएगा। निदेशक चिन्मय भट्ट ने बताया कि फिल्म देखने के बाद सड़क पर कचरा फेंकने वालों को इस बात का एहसास होगा कि किस तरह से उनकी छोटी सी गलती से स्वच्छता बिगड़ती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें अवि अग्रवाल और सावन ने बेहतरीन अभिनय किया है। अबे आप कैरेक्टर में रहना है बेटा। एक्शन। आगे तक जाना। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। नगर निगम ने तोड़ा लाल घाट पर अवैध निर्माण। गणपत रेस्टोरेंट में बिना स्वीकृति के चल रहा था काम। सेक्टर 4 में गिरा विद्युत ट्रांसफार्मर, हो सकता था बड़ा हादसा। क्षेत्रवासियों में गुस्सा। चिकित्सा विभाग में चतुर्थ श्रेणी वार्ड बॉय भर्ती की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन। वित्त विभाग ने कुछ दिनों पहले कर दिए थे पद समाप्त। लेक सिटी में हुई स्वच्छता का संदेश देने वाली शॉर्ट फिल्म की शूटिंग जुलाई में आएगी सोशल मीडिया पर। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर रूबरू होंगे कई नई खबरों के साथ। तब तक सावन दोषी और पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए बने रहिए उदयपुर न्यूज के साथ। नमस्कार।